दरवाजा खोला, सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने नहायत ही महज़्ज़ब अंदाज में सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि ये कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। कहने लगे कि आप ताहिर साहब हैं। मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, जी वो मुझे रफीक साहब ने भेजा है, गालबन आपको किराएदार की जरूरत है। हाँ 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 हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है, अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उसकी नजर में हो तो बताएं, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान वो गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3,000 किराया बताया, लेकिन बात 2,000 पर पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, गो के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके कि 2,000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है, मुझे उसने काफी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फौरन ही हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही महज़्ज़ब और खूबसूरत थे, छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है, अच्छा पढ़ाती हैं, उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मजीद कुछ दिन बाद मैंने उनके एक बेटे से तिलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़ें। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 मर्तबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है, जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वुजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा ये बेकार मशगला है, मैं आपको अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाकया सुना तो मेरा दिल भर आया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये तुम्हें किसने बताया बेटा? कहने लगा कि हमारी उस्तानी मोहतरमा ने, वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मुतल्लिक बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेजी से बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज बीवी ने कहा कि केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बखुशी तैयार हो गया। उसने काफी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। कहने लगी बुर्का। मैंने कहा क्या बुर्का? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था, अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है? मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा कि फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मजीद किस्तें ना देनी पड़े। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? वो मुस्कुराई, कहने लगी बस हो गई। जब इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया।
میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی، بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی، وہ خود نماز پڑھنے لگی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے، پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ دوستو، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لمحہ ضائع کیے بنا شیئر کر دیں، کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں پیسہ تو کافی آ گیا ہے لیکن سکون نہیں۔ ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی کتنی نہیں، کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔